नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधाकृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, जैसा कि पिछली बार आपको बताया था कि हमने इसके अंदर खाद वगैरह दे दिया था, तो कल बहुत ही भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई थी, जिसके कारण इनके अंदर कुछ पानी सा खड़ा हो गया था, क्योंकि इतनी ज्यादा वर्षा हुई थी कि हमारे यहाँ पर एक लेडीज भी पानी में बह गई थी। बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, कोई मामूली बारिश नहीं थी। तो अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो इस प्रकार से ऐसे ये जो पौधे जो मुरझाने लग जाते हैं, तो उसका कारण है कि इसके अंदर जो गैस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में भर चुकी है। तो उसको हमें क्या करना है कि इसे को इस प्रकार से इसको हल्के हल्के हाथों से इसको गुड़ाई गुड़ाई कर देनी है आपको। ये देखो इस तरह से, क्योंकि बारिश बहुत तेज थी जिसकी वजह से ये सब इस तरह का काम हुआ। आप देख सकते हो बहुत जबरदस्त पट बना हुआ है इनका, तो इसको खोलना बहुत जरूरी है। तो ऐसे आप इन सबको गुड़ाई कर दीजिए थोड़ा थोड़ा हल्की हल्की मात्रा में। खाद वगैरह अभी कुछ देना नहीं इसके अंदर, हमने खाद ऑलरेडी दे चुके हैं, बस आपको इस तरह गुड़ाई करना है। ये देखो एक नहीं, सभी पौधे इस तरह से, ये जो पत्ती जिनके इस तरह से ये मुरझाए हुए हैं, तो ये इसी गैस का कारण का प्रभाव है। बस इस प्रकार से इन सबको आपको गुड़ाई कर देनी है सभी की। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर आप इसकी गुड़ाई नहीं करेंगे तो नीचे से इसको फंगस लग जाएगी। जितना मर्जी आप इसके अंदर आप फंगिसाइड छिड़क लो, कुछ भी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस गैस की वजह से ही ये सबको ज्यादा, क्योंकि एक तो हमने इसके अंदर खाद दिया था और वो जो डाइनमोनियम जो फास्फेट था उसकी जो बहुत ज्यादा गैस बन जाती है, और उससे क्या होता है जो हमने जो साइड में जो डीएपी दिया था तो उसकी जो गैस हो जाती है, तो वो जो अंदर की जो जड़े हैं उनको बहुत हीट कर देती है, चाहे आप इसके अंदर जितना मर्जी पानी दो। तो जब आप एक बार इस प्रकार इनको एयर का जो सर्कुलेशन इसके अंदर बना दोगे, तो उसके बाद ये जो आपकी जो गुलदावरी है यहीं के यहीं आपकी स्थित हो जाएंगी, ठीक से हो जाएंगी। ये देखो सभी के अंदर ही हल्का हल्का सा ये होने लगा है। तो बस आपको इसी प्रकार से ये धीरे धीरे करके इस सभी के अंदर ये गुड़ाई कर देनी है। सभी में गुड़ाई करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बस आपको एक मामूली सा ये एक झलक दिखाई थी कि बारिश के बाद आपको क्या काम करना है और ये काम क्यों जरूरी है। ये दोनों बातें मैंने इसी वीडियो से आपको ये स्पष्ट करी है, क्लियर करी है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि इस समय बहुत ज्यादा कीड़ों का प्रकोप होता है। हर आपको ब्रांच के अंदर छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं, बहुत ज्यादा नजर आते हैं, तो उनको भी आपको देखना। देखो जिस प्रकार ये देखो, ये जो काले काले जो ये जो दाग से बने हुए, ये कीड़ों का ही काम होता है, और ये कीड़े पूरी तरह से पत्तों को खा जाते हैं। तो इसके लिए या तो आप इनको मेरी तरह से इस तरह से ढूंढ ढूंढ के निकाल दीजिए, या फिर आप स्प्रे कर सकते हैं। बारिश में स्प्रे करना पौधों पे बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक होता है। दूसरा, अगर इनमें ज्यादा ही अगर आपका रोग ये काबू नहीं आ रहा है और ज्यादा ही बढ़ जाता है, ये गलना शुरू हो जाती है गुलदावरी, जो छोटे उनके लिए बता रहा हूँ, बड़े उनके लिए बता रहा हूँ। बड़े तो वैसे इतना ही तुमको फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ता है, लेकिन इससे भी आपका बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है, क्योंकि इसमें बाद में जो उठने में है बहुत ज्यादा समय ले लेती है। तो वक्त पे आप तो एक तो आपको ये काम कर लेना है। दूसरा, आपको इसके अंदर एक फंगिसाइड का आपको स्प्रे कर देना है जड़ों के अंदर, जिससे कि आपका ये जो गुलदावरी है वो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो सके, ठीक हो सके। और दूसरा, हल्का हल्का सा एक स्प्रे आप मेलाथियन का भी इनके ऊपर कर दीजिए, ताकि कीड़ों का कोई प्रभाव ना हो। एक और बात मैं आपको बताता हूं, जिस प्रकार ये है, ये देखो ये जो पौधा है ये बिल्कुल पीला पड़ चुका है, आप देख रहे हो। इसका कारण मैं आपको बताता हूं कि पीला क्यों पड़ा। ये देखो साथियों, ये यहां पे हमने इसको लगा रखा था, कोई पॉट में नहीं था, नीचे हमने इसकी कटिंग लगाई हुई थी और ये दोनों कटिंग हमने साथ साथ लगाई दी थी, जिससे यहां इसने काफी अच्छी ग्रोथ ले ली थी। तो जब हम इसको जब जड़ों को निकाल के लेके आए थे
उसके बाद अब इसको लगाया तो ये इसके लिए पीड़ा पड़ चुका है, यानी कि इसके अंदर जो मैग्नीशियम की जो मात्रा है वो कम हो चुकी है। तो इसको भी आप हल्की हल्की सी गुड़ाई करके सप्ताह के अंदर मैग्नीशियम का थोड़ा सा डोज दे दीजिए MgSO4 का, जिससे आपका ये पौधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि बारिश के ये जो मौसम होता है ये सबसे ज्यादा हीट बनाता है पौधे के अंदर। बहुत से लोग कहते हैं कि बारिश से हीट कैसे बनती है, तो वो मैंने आज आपको समझा दिया कि हीट किस प्रकार बनती है। जब आप खाद देते हैं, हैवी डोज देते हैं पौधे को, तो पौधा संभाल नहीं पाता और जिसकी वजह से उसके अंदर 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 बहुत हीट बन जाती है। और जो हीट बनती है वो पानी की वजह से बनती है। जब आपका जो जमीन जो पट हो जाती है तो उसके बाद ये आपके पौधों में हीट बनना शुरू हो जाती है और जिसकी वजह से पौधा ऊपर से मुरझाने लग जाता है। और आप समय रहते अगर इसको आप नहीं देख पाते तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी साथियों जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जो लोग हमारे साथ इस प्रकार एडवांस जो काम कर रहे हैं ये उनके लिए है। साथ ही जो जिन भाइयों ने अभी जो जिनकी गुलदावरी छोटी है उनके लिए मैं एक ही सजेशन करना चाहूंगा कि अभी उनको आप छोटे ही पोट में लगाए रखें, बड़ा पोट उन्हें ना दे अभी, क्योंकि बड़ा पोट दोगे तो आपको बाहर रखना पड़ेगा। और इस समय बारिश से बचाना गुलदावरी को बहुत आवश्यक है, जरूरी है, क्योंकि इसमें गलन बहुत ज्यादा होता है, बहुत जल्दी इसमें गलन शुरू हो जाता है और गलन से बचने के लिए हमें ये काम करना होता है। तो साथियों आशा करता हूं कि आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की ढेरों इन्फॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो इस सबके साथ साथियों धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।